नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे आज, ठीक है। मेमोरी ट्रेनिंग के अंदर ये टॉपिक आता है और इस टॉपिक का नाम है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल मैं आपको एक साथ नहीं बताने वाला हूँ। ऐसे हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है कि हम एक साथ कुछ जादू हो जाए दो मिनट के अंदर और फटाक से आपको आ जाए, ठीक है। ऐसे कोई भी ट्रिक कहीं भी आपको मिलने वाली नहीं है। और मेरी ट्रिक में और दूसरों की ट्रिक में फर्क है, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मेरी ट्रिक क्या है। तो दूसरों की ट्रिक अगर आप देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, उनको आपको स्टोरी बताते हैं, क्या करते हैं स्टोरी बताते हैं, आप स्टार्टिंग से स्टोरी आपको लास्ट तक रटवा देंगे या फिर ब्लॉक ब्लॉक करके आपको स्टोरी रटवाते हैं, एसपीडी ऐसा करके आपको ब्लॉक ब्लॉक करके करवाते हैं। बट उस चीज से अगर मैं आपको बोलूं एक एलिमेंट का नाम पूछूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं पूछूंगा कि बताइए, अभी मैं ऐसे पूछ दिया रुटेनियम किस पे है, तो आपको नहीं आएगा। रुबिडियम किस पे है, ये भी नहीं आएगा। अगर मैंने नंबर पूछा और एलिमेंट का नाम पूछ दिया तो भी नहीं आएगा। बट ये जो ट्रिक है ये सिर्फ आप वीडियो देखते चले जाइए, एक समय आएगा कि आप जैसे ही वीडियो खत्म करोगे, सीरीज को पूरा खत्म करोगे, उसके बाद आपको कोई भी कभी पूछेगा तो आप तुरंत जवाब दे सकते हो मात्र 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल हमको पढ़ने से पहले क्या करना है, मैंने जो ट्रिक बताया था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था किस तरह से वर्डों को शब्दों में कन्वर्ट किया जाता है, नंबर्स को वर्ड में और वर्ड को नंबर्स में। जैसे कि मैंने बोला था इसे हम रमेश लिख देते हैं, तो रमेश का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, 3 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने फटाक से जैसे मैं मेरा नाम लिखता हूँ विनीत, तो विनीत का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस स्पीड से अगर आप बना पा रहे हैं तो ही आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको प्रैक्टिस पहले करिए, और प्रैक्टिस हो गया, अगर नहीं भी हुआ तो कोई डरने की बात नहीं है, आप एक बार वीडियो देखिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिया हूं, मैं 10-10 करके बताऊंगा, ठीक है। अभी हम 20 बताएंगे, फिर इसके बाद अगले वीडियो में 20, फिर अगले वीडियो में 20, इस तरह से 20-20 करके पढ़ेंगे। और आपको भी एक ही दिन में पूरे के पूरे पीरियड टेबल पढ़ना नहीं है, कल का आपका एग्जाम है नहीं, ठीक है। तो अगर आपने 2 से 3 दिन भी दिया, बस एक दिन का आधा घंटा, मेरे वीडियो जैसे आपने देखा वीडियो बंद करके एक बार प्रैक्टिस कर लो खत्म, ऐसे आप 2-3 वीडियो एक सीरीज देख लीजिए और आपको पूरा का पूरा पीरियड टेबल बाय हार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे मैंने 31 से लिखा हुआ है, 31 से 50 तक। मैं 31 से पहले 40 बताऊंगा, फिर 41 से 50 तक आज हम इतना पढ़ेंगे, इसके बाद मैं कंटिन्यू करके 100 तक जाने वाला हूँ। जैसे 100 खत्म होगा फिर मैं आपको 1 से 30 तक बताऊंगा, ठीक है। वैसे भी 1 से 30 तक सबको याद रहता है नॉर्मली, बट फिर भी उसका मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, ऐसी ट्रिक वो भी रहेगा। मैंने क्यों पहले नहीं बता रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पहले 31 से पूरा 100 तक याद हो जाए, फिर 1 से 30 तक, ठीक है। तो पहले 31 से आज 50 तक एक लेक्चर में करेंगे, फिर 50 से लेकर 17 तक। आइए स्टार्ट करते हैं 31। पहले हम इसको क्या करते हैं, नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब आप नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करते हो तो एक ही वर्ड को मेमोराइज करने की कोशिश करो, मतलब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि वो वर्ड आपके माइंड में छप जाए। अब जैसे मैं 31 देखता हूं तो मेरे माइंड में एक ही वर्ड आता है, मोटा। मोटा मतलब मोटा आदमी, ठीक है। तो मैं जब भी 31 देखता हूं तो मुझे तुरंत मोटा दिखता है, वो 31 नहीं दिखता मुझे, मुझे क्या दिखता है, मोटा आदमी दिखता है। तब मुझे कभी किसी ने पूछा 31, तो मेरे माइंड में मोटा आदमी आता, 31 नहीं आता। अब जब मोटा आदमी आया तो मोटा आदमी को मैंने रिलेट कर दिया किससे, गैलियम से। देखिए अभी आप भी तुरंत तुरंत फटाफट बताएंगे। तो पहले हम वर्ड लिख लेते हैं, ये मोटा कैसे हो गया, 3 से एम हो गया और टी, हमारे पास टी है और डी है ना 1 का, तो मैंने यहाँ पे टी उठाया और ये लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। और इसके पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे पूरा का पूरा मैं 1 से लेके 100 तक पूरे वर्ड को क्या किस वर्ड से आप बना सकते हो और वो वर्ड स्पेसिफिक है, उसी वर्ड से सारे के सारे एलिमेंट होने वाले हैं। तो आप एक बार उस पीडीएफ को देख लेंगे तो आपको भी वर्ड मेमोराइज ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आप नंबर्स देखिए और उसको वर्ड बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं उसको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे, और आप अगर न्यू हो टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, जाके वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। नेक्स्ट, यहाँ पे 3, 2 दिया हुआ है, तो 3 से एम होता है, एम होता है और यहाँ से एन होता है, तो मैं इसे क्या बना सकता हूँ, मन बना सकता हूँ ना, मन। आप बहुत चीज बना सकते हो, मना बना सकते हो, मैन बना सकते हो, बट मैंने जो याद किया वो वही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एम हो जाएगा और यहाँ पे एन हो जाएगा, मैन। और ये क्या है, 3, 3 है, तो एम होता है 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मामा। यहाँ पे एम 4 है, 4 से आर होता है, तो मैं मार बना सकता हूँ, 4 से आर हो गया, 3 से एम हो गया। अब यहाँ पे एम दिया हुआ, पहले मैं एम लिख लेता हूँ, 5 दिया हुआ, 5 से एल होता है, तो मैं मेला लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे मेला तुरंत मेमोराइज हो गया है, क्योंकि मैं चीजें बार बार इन चीजों को वर्ड्स को देखा हूँ और जितने ज्यादा प्रैक्टिस किया हूँ इसलिए मुझे तुरंत वर्ड याद हो जाते हैं। तो एम से मेला, बाकी भी चीजें बना सकते हैं, बट आप एक स्पेसिफिक वर्ड अपने माइंड में रखिए। और जो अजीत भारती सर को आपने देखा रहेगा, जो नंबर्स को मेमोराइज कर लेते हैं फटाक से,
सौ सौ दो दो सौ नंबरों को मेमोराइज करते हैं वो टेक्निक यही रहती है। ठीक है, उस टेक्निक के बारे में बताऊंगा आपको, एक समय आएगा कि जब मैं भी खुद आपको लाइव दिखाऊंगा कि नंबर्स को मेमोराइज कैसे करते हैं फटाफट। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मेला हो गया। अब यहाँ पे एम है, सिक्स का कोड क्या होता है, जे होता है, जी होता है, सी एच होता है और एस एच होता है, बट मैं वहां से एक ही वर्ड उठाऊंगा, मैं जे उठाता हूँ। तो यहाँ पे मजा हो जाएगा, एम से थ्री, सिक्स से जे। अब यहाँ पे एम है तो एम सेवन, सेवन का क्या होता है, के और सी होता है। तो अब के और सी से क्या उठा सकते हैं, मैंने के उठाया, माइक बना दिया। मैंने बोला था अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले पहला वीडियो देखिए, फिर ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। के और सी, तो के और सी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने के और सी का यूज करके बनाया ना, बाकी बीच में क्या है, वोवेल्स है, वोवेल्स यूज करके ही हम वर्ड बनाते हैं, कोई भी वर्ड कभी भी वोवेल्स यूज करके ही बनती है। तो यहाँ पे माइक लिखा, बीच में आई और ई वोवेल्स है, यहाँ पे ए वोवेल्स है, यहाँ पे ई ए वोवेल्स है, यहाँ पे ए, ठीक है, इस तरह से सब जगह वोवेल्स यूज किए जाते हैं। ये वही वर्ड है जो वोवेल्स नहीं है, तो माइक बन गया। अब वापस यहाँ पे हम आए, एट से क्या होता है, वी और एफ होता है, तो एफ से क्या बना सकते हो आप, देखो यहाँ पे M से पहले मैंने क्या बना दिया, थ्री, क्यों, क्योंकि थ्री का कोड क्या है मेरा, M है, और यहाँ पे क्या है, F, तो बताइए यहाँ पे कुछ बन सकता है, सोचिए, यहाँ पे M दिया हुआ है, एट से बी एफ, तो यहाँ पे मैं माफ बना सकता हूँ ना, माफ, माफी, किसी को माफ कर देते हैं वो माफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 39 दिया हुआ, 39 में भी क्या करेंगे, पहले हम M लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका क्या होता है, P और B होता है, ठीक है, P और B, 9 का क्या होता है, P और B, तो अब यहाँ पे 39, तो M दिया हुआ, तो इसमें क्या बना सकते हो, M से मैप बना सकते हो, ठीक है, मैप भी बना सकते हो। अब 40 का क्या दिया हुआ, 14 से आप इसको RS बना सकते हो, 4 से R दिया हुआ है, 0 से क्या होता है, Z और S होता है, तो इसको क्या बना दिया, RS, ठीक है। नेक्स्ट 41 से क्या बना सकते हैं, 4 से R होता है, 1 से T और D होता है, तो यहां से मैंने रेड बना दिया, T लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, R होता है, 4R होता है, 2 से N होता है, तो यहाँ पे मैंने रिन बना दिया, रिन सर्फ, ठीक है, आप लोग ने रिन सुना लगा नाम, रिन। अब यहाँ पे वापस से R दिया हुआ है और M दिया हुआ, तो मैंने राम बना दिया। अब यहाँ पे रोवर बना दिया, आर आर दो आर दिया हुआ ना, तो बीच में वोवेल्स लगा के रोवर बना दिया, रोवर का मतलब होता है गरजना। अब यहाँ पे 45 दिया हुआ है, डरिए मत, एकदम सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने एक बार इसको चीजों को जो मैंने पहले वीडियो बताया था, मात्र 20 आधे घंटे आप प्रैक्टिस कीजिए, आधे घंटे बाद आप सीधा यहाँ पे आ जाइए, तुरंत आपको सारी चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, तो मैंने पहले 4 से आर बना दिया और रेल कर दिया इसको, रेल, ठीक है, ए आई वोवेल्स हो गया, 5 से एल हो गया, 4 से आर हो गया, 6 का कोड क्या, जे जी सी एच और एस एच, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 46। अब इसका आप बताइए मुझे क्या बना सकते हैं, ठीक है, 46 का, 47 का क्या होगा, ये 7 दिया, 7 का क्या होता है, के और सी होता है, तो कुछ बन सकता है इससे, आर दिया हुआ है, के और सी का यूज करके इसको मैं रॉक बना सकता हूँ ना। अब आप बोलेंगे यहाँ पे के और सी दोनों आ गया तो 77 होगा, बट मेरा ट्रिक मेरा क्या है, ट्रिक में मैंने बताया था कभी भी अगर दो वर्ड साथ में आए एक ही नंबर्स के तो उसको काउंट एक ही बार करना है, तो रॉक का एक ही बार काउंट करेंगे 47, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 48, ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा, पहले आर होगा और बी एफ होता है ना, 8 का बी एफ होता है, तो यहाँ पे मैं रूफ बना सकता हूँ, रूफ छत जिसको बोलते हैं, रूफ छत, ठीक है। अब यहाँ पे 49 दिया हुआ, तो 49 का क्या होगा, यहाँ पे आर हो गया और बी का क्या होता है, पी और बी, पी और बी, तो इसको क्या कर सकते हैं, रोप बना सकते हैं, रोप मतलब रस्सी होता है, तो मैंने यहाँ से पी उठाया लाइन का और आर उठाया। आप ये नंबर जो दिए हुए हैं इनको मैं जब पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगा तो आप इसको एक बार देख लीजिए, पर एक से दो बार डेली, एक से दो बार इसको देख लेंगे और वर्ड को बनाने की कोशिश करिए कि 45 से क्या बन सकता है, और एक स्पेसिफिक वर्ड अपने माइंड में रखिए, ठीक है, उससे पूरा का पूरा सॉल्व हो सकता है। नहीं कुछ तो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि इससे ही बनता है ये वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, 55। अब जब मैं 50 देखता हूँ तो मुझे वर्ड बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे लस्सी आ गया, लस्सी कैसे आया, 5 से आर हो गया, डबल एस 0, एक ही बार लेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 का कोड क्या होता है, जेड और एस होता है, बट हम दो, मैंने दो बार लिखा, हम लेंगे एक ही बार, मैंने ट्रिक बताया था एक ही बार लेना हमको, ठीक है। तो ये बात हो गई कोडिंग की। अब देखिए इसको फटाक से याद कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप रोज ले लो, ठीक है, रोज, ये अब मैं रोज, रोज की स्पेलिंग क्या होती है, आर ओ एस सी, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने आर ओ जे लिखा हुआ है। अब इसको ऐसे, क्योंकि हमको मेमोराइज करना, मैं यहाँ पे अगर एस लिख देता, आर ओ एस सी लिख देता, एस लिख देता तो यहाँ पे जीरो आ जाता, तो कोड गलत हो जाता, ठीक है, बट मैंने याद करने के लिए इसको रोज रोज पढ़ा है, ठीक है, रोज।
तो या फिर रोज मतलब डेली भी आप पकड़ सकते हो, बट यहाँ पे रोज का मतलब कमल का फूल समझो आप, ठीक है। स्पेलिंग्स की थोड़ी मिस्टेक्स है बट हमको मेमोराइज करनी है बस, ठीक है। तो आइए आप, ये मैंने कोडिंग लिख दिया, आप देखिए फटाफट कैसे याद होता है। पहला दिया 31 मोटा, 31 क्या है मोटा। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप एक मोटे आदमी को गली में मार रहे हो, कहाँ पे गली में पकड़ के उसको बहुत ज्यादा भर रहे हो अच्छे से। अभी इमेजिन कीजिए तुरंत कि आप एक मोटा आदमी उसको गली में बहुत ज्यादा मार रहे हो, गिरा गिरा के मार रहे हो, ठीक है। तो कहाँ पे मार रहे हो आप, गली में मार रहे हो मोटे आदमी को, आप कहाँ पे मार रहे हो गली में, मोटा से कोड बन गया 31। अब आप कभी भी आपको 31 पूछा तो आपको याद आएगा मोटा, मोटा आदमी को आप कहाँ पे मार रहे हो, गली में मार रहे हो, तो गैलियम। नेक्स्ट ये सब तो सिंपल रहता है, ये सब आगे का यूएम तो कॉमन ही होता है हर में एलिमेंट में, देखोगे ज्यादातर सेम रहते हैं, ठीक है। अब मन 32 मन, तो आपका मन सबसे ज्यादा कहाँ पे लगता है, जर्मनी में लगता है। कहाँ पे आपका मन सबसे ज्यादा, जर्मनी में लगता है ना, आपका मन इंडिया में लगता है ना अमेरिका में लगता है, आपका मन सबसे ज्यादा कहाँ लगता है, जर्मनी में। आज से ऐसा बना लीजिए कि आपका मन सबसे ज्यादा कहाँ लगता है, जर्मनी में, तो क्या हो गया जर्मनी। अब नेक्स्ट 33 मामा, अब 33 पे मामा है, तो मामा आपके सेना में थे, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके मामा किस में है, सेना में है, तो आर्सेनिक। आपके मामा कहाँ पे है, सेना में है, तो सेना से क्या बन गया, सैनिक ना, आर्सेनिक। यहाँ पे देखो सैनिक, तो आपके मामा कहाँ पे थे, सैनिक में, तो आर्सेनिक। नेक्स्ट मार, मार का मतलब होता है पीटना, ठीक है। तो आपको आपके फ्रेंड ने बहुत ज्यादा मारा, ठीक है, आपको एक जगह बुलाया और आपको बहुत बुरी तरह से मार दिया, और मारने के बाद आपको सेल कर दे रहा है। सेल की स्पेलिंग ये है, ठीक है, आप भी से ये लेना आपको, तो सेल की स्पेलिंग क्या, सेलेनियम। सेल से क्या हो जाएगा, सेलेनियम। मार, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आपको मार के सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, सेल कर दे रहा है। कहां सेल कर रहा है, बाजारों में, ऐसा इमेजिन कीजिए, इमेजिन नहीं करोगे तो नहीं आएगा, पहले बताते हैं, तो आपको इमेजिन करना है। 34 आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, मार के आपको सेल कर रहा है। सोचो ऐसा कभी होगा रियलिटी, आपको मारेगा और सेल करेगा, कहीं सेल हो गया आप नहीं, तो आपको बस मेमोराइज, राइट ब्रेन में भेजना है कैसे भी, सेलेनियम हो गया। मेला, मेला से क्या हो गया, 35 मेला, 35 से मेला बना। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक जगह बहुत बड़ा मेला लगा था, बट वहां पे सब लोग बड़ी बड़ी चीजें खरीदने जा रहे थे, आप बॉर्नविटा खरीदने जा रहे थे, क्या खरीदने जा रहे थे, बॉर्नविटा, तो क्या हो गया, ब्रोमीन, ठीक है, ऐसा बॉर्नविटा से ब्रोमीन। नेक्स्ट मजा, 36 पे क्या है, मजा। अब यहाँ पे क्रिप्टॉन है, ठीक है, क्रिप, क्रिप को ट्रिप बना सकते हो, ट्रिप, ट्रिप, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है, ट्रिप करने में, ठीक है, आप जब ट्रिप पे जाते हो तो आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, तो ट्रिप से क्या हो जाएगा, क्रिप्ट, क्रिप्टॉन। सबसे ज्यादा मन आपको कहाँ लगता है, मन कहाँ लगता है आपका, जर्मनी में, तो जर्मेनियम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मजा, तो आपको मजा किस में आता है, ट्रिप पे मजा आता है, तो क्रिप्टॉन। नेक्स्ट माइक, ये माइक का आप मुझे बताओगे, ठीक है, माइक का रुबिडियम होता है, ये आप मुझे बताएंगे, नेक्स्ट कमेंट करेंगे इसको बना के। 38 आप लोग कमेंट करते नहीं हो, जो चीजें मैं होमवर्क देता हूँ उसकी कुछ वैल्यू नहीं करते हो, आप लोग कमेंट करते नहीं, फिर चीजें आपको आधी अधूरी याद रहेंगी, फिर वो उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप इसको बनाइए, नहीं बनता तो मैं नीचे कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बट कोशिश करिए। अभी 38 माफ दिया है, तो माफ, माफ कौन कौन आदमी करता है, जो ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होता है वही माफ करने के लायक होता है, मतलब वही माफ करता है, बाकी लोग माफ नहीं करते। ऐसा इमेजिन कीजिए कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होता है, माफ कौन करता है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रॉन्टियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मैप, अब ये मैप का भी मुझे आप बताओगे, ठीक है, मैप का भी आप मुझे बताओगे। 14 दिया हुआ है आरएस, ठीक है, 14 ये जो दिया हुआ है इसको आप बनाएंगे, ठीक है, बना के मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट 14 आरएस, आरएस से मतलब होता है ओआरएस, ओआरएस मिलता है ना पीने के लिए, ओआरएस, तो ओआरएस से मैं ओ हटा दिया क्योंकि वोवेल्स है, तो बचा क्या आरएस, आरएस जो है, आरएस को आप ध्यान से इमेजिन कीजिए, आरएस को आप यहाँ पे एलिमेंट क्या दिया, जर्कोनियम, ठीक है, जर्कोनियम को कैसे बना सकते हो, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो जर कोन, कोन मतलब कोने में, तो जर कोन, इसका मतलब अब इमेजिन कैसे, वर्ड कैसे बनेगा, आरएस को आप जला के कोने में फेंक दिए, आरएस को आपने जलाया और कहां फेंक दिया, कोने में फेंक दिया, तो जला के जर्कोन, जर मतलब जला के कहां फेंक दिया, कोने में, कोनियम, ठीक है, तो जर्कोनियम, आरएस को आपने क्या किया, जला के कोने में फेंक दिया, तो जलाया जर कोन मतलब कोने में, तो जर्कोनियम, ठीक है, तो आरएस को जला के कोने में फेंक दिया, जर्कोनियम। नेक्स्ट रेड दिया हुआ है, तो रेड का क्या है, नियोबियम, ठीक है, नियोबियम कैसे बनाएंगे इसको, रेड, रेड को काम पे लगा दो, आपने दिवाली में कुछ पटाखे बचा के रखे थे घर में, ठीक है, एक अगली दिवाली आने वाली थी, उससे पहले आपने नए बम लेके घर में रख दिए थे। अब जब नए बम घर में रखे हैं, अभी इमेजिन कीजिए आपने नया बम घर में रखा हुआ है और आप रात को सो रहे हो और आप अचानक उठते हो तो देखते हो कि चूहा पूरा का पूरा बम, न्यू बम,
जो आपने खरीदा था न्यू था ना, तो न्यू बम को क्या कर रहा है, कुदर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, काट दे रहा है, ठीक है, न्यू बम को खराब कर रहा है, न्यू बम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूबियम, ठीक है, न्यू बम, तो यहां से न्यू बम, तो न्यूबियम, ठीक है। रेड क्या कर रहा है, न्यू बम को खराब कर रहा है, ठीक है। ऐसा इमेजिन कीजिए, जितना ज्यादा इमेजिन उतना ज्यादा चीजें याद होंगी। रिन, अब रिन से यहाँ पे मोलिडियम दिया, ठीक है, मोलिडिनम, मोलिडिनम से क्या हो जाएगा, ये याद रखिए कि रिन साबन, यहाँ पे अगर आप वर्ड बनाओगे तो मौलवी बनेगा, क्या बनेगा, मौलवी। देखो आपको स्टार्टिंग का याद रखना है, आपको एक बार स्टार्टिंग का याद हो तो नम नम आप लगा सकते हो, टीनम, नियम, ठीक है, डीएम, ये सब आप लगा सकते हो, तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग के वर्ड याद आने चाहिए। तो रिन 42 पे रिन, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि मौलवी साहब, जो मौलवी होते हैं वो हमेशा मुंह किससे धोते हैं, रिन साबन से धोते हैं, मुंह किससे धोते हैं, रिन साबन से। ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, बट हमको कॉमेडी बनानी है तो कॉमेडी बना के याद ही करना ना, तो आप कॉमेडी बनाइए, रिन से कौन मुंह धोता है, मौलवी, तो मौलवी से क्या हो जाएगा, मौलवी डिनम, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट राम दिया हुआ है, 43 पर राम कैसे बना, आर और एम, राम, राम का क्या है, टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन से क्या होगा, राम एक ऐसा व्यक्ति है, राम एक ऐसा व्यक्ति है जो टेक्नीशियन है या टेक्निकल है, राम बहुत ज्यादा टेक्निकल है, राम कैसा व्यक्ति है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो टेक्निकल से क्या हो जाएगा, टेक्नीशियन, ठीक है, समझाइए, राम क्या है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, टेक्निकल से क्या हो जाएगा, टेक्नीशियन। नेक्स्ट रोवर, रोवर का क्या है, रोवर का मैंने बताया गरजना होता है, रोवर का क्या होता है, गरजना होता है, रोवर का क्या होता है, गरजना होता है, एक ऐसा सिंह आपके घर के बाहर बैठा है, या फिर ऐसा भी आप सोच सकते हो कि ऐसा सिंह, एक ऐसा शेर है जो कि गरज नहीं रहा है, बहुत ज्यादा रूठा हुआ है, क्या हुआ है, सिंह क्या कर रहा है, रूठा हुआ है, तो रोवर गरजना, गरजता कौन है, सिंह, ठीक है, या फिर शेर ले लो, शेर क्या करता है, गरजता नहीं है उस समय, क्या है, शेर गरज नहीं रहा है, रूठा हुआ है, क्या हो रहा है, रूठा हुआ है, तो रूठे से क्या हो जाएगा, रूठेनियम, रूठा हुआ है ना, तो रूठेनियम। 45 रेल, रेल, रेल पटरिया पे तो चलती है, बट आज आपने देखा कि रेल रोड पे चल रही है, कहां पे चल रही है, रोड पे, तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि रेल, जो ट्रेन देख रहे हो आप, रेल कहां चल रही है, रोड पे चल रही है, तो रोड पे चल रही है मतलब रूडियम। नेक्स्ट रोज, जैसे मतलब रोज, ठीक है, तो 46 रोज, रोज आप क्या कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को प्लेट में दे रहे हो, किसमें दे रहे हो, प्लेट में, सब लोग हाथ से ऐसा देते हैं, बट आप अपनी गर्लफ्रेंड को रोज किससे दे रहे हो, प्लेट में दे रहे हो, तो प्लेट से क्या हो जाएगा, पैलेडियम, ठीक है, प्लेट में दे रहे हो, तो आप अगर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज्यादा कठिन एलिमेंट तो नहीं है, ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको फटाफट बाहर हो जाएगा, तो आप रोज, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये जो कनेक्ट करा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कनेक्टिविटी आपकी बननी चाहिए, तो रोज, रोज को आप किस में दे रहे हो, प्लेट में दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, पैलेडियम, ठीक है। नेक्स्ट रॉक, 47 पे मैंने रॉक बताया था, तो 47 से रॉक, अब इसका सिल्वर है, तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके गली में एक रॉक है जो कि चांदी कलर का है, किस कलर का है, चांदी, सिल्वर कलर का रॉक आपके घर में रखा हुआ है, या आपके घर के बगीचे में, ऐसे इमेजिन कीजिए घर के बगीचे में एक रॉक रखा हुआ है जो चांदी कलर का है, इसका अर्थ सिल्वर है, कैसा है, सिल्वर है, तो सिल्वर हो गया। 48 रूफ, रूफ मतलब छत होता है, तो अब रूफ में कैडमियम रखा हुआ है, क्या रखा हुआ, सॉरी, आपके रूफ पे बहुत ज्यादा कैट है, ठीक है, कैट, इससे वर्ड बनाएंगे कैट, आपके रूफ पे मतलब छत पे बहुत ज्यादा कैट कैट रहती है, कम से कम 100-200 कैट आपने पाला हुआ है, तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपने अपने रूफ पे बहुत ज्यादा कैट पाला हुआ है, तो कैट से क्या हो जाएगा, कैडमियम, मियम तो लगा देना समय, ठीक है, कैडमियम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, 49 रोप, रोप यहाँ पे रोप मतलब होता है रस्सी, और यहाँ पे इंडियम दिया हुआ है, ठीक है, इंडियम से आप इसको इंडियन बना सकते हो, इंडियन, तो जब आजादी नहीं हुई थी भारत की, आजादी से पहले अंग्रेजों ने हमारे इंडियन लोगों को किससे बांध के रखा था, रोप से बांध के रखा था, हमारे इंडियन पीपल्स को किससे बांध के रखा था, रोप से बांध के रखा था, किसको, इंडियन पीपल्स को, इंडियन से क्या हो जाएगा, इंडियम, समझा। नेक्स्ट 50, लस्सी दिया हुआ, लस्सी से टीन, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप जब भी लस्सी पीते हैं तो कौन से ग्लास में पीते हैं, टीन की ग्लास में पीते हो, ठीक है, किस ग्लास में पीते हो, टीन की ग्लास में पीते हो, तो आपने लस्सी किससे पिया, टीन की ग्लास में पिया, तो ये आपको याद हो गया, आप कभी 50 आप देखेंगे लस्सी तो आपको क्या देगा, टीन, ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप जितना देख लिए, आइए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं याद हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस ऐसी करनी है आपको, साइड में आप एलिमेंट लिख लीजिए,
और प्रैक्टिस करिए वर्ड बनाने का, ठीक है। तो आइए हम फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। 31 पे दिया हुआ है मोटा, 31 से क्या बनता है मोटा, मोटा आदमी को आप कहां पे मार रहे हो, गली में मार रहे हो, तो गलियम, ठीक है। 32 आपका मन कहां पे लगता है, मन जर्मन में लगता है, जर्मनी में लगता है, तो जर्मेनियम। नेक्स्ट मामा, आपके मामा कहां में है, सेना में है, आपके मामा कहां पे है, सेना में है, तो सेना से क्या हो जाएगा, आर्सेनिक, ठीक है। नेक्स्ट 34 दिया हुआ है, 34 से क्या बनेगा, मार, आपका दोस्त फ्रेंड आपको बुला के मार के क्या कर रहा है, आपको सेल कर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 35 दिया हुआ है, मेला, 35 से मेला था ना, तो मेले में आप सब लोग बड़ी बड़ी चीजें खरीदने जाते हो, बट आप क्या खरीदने जाते हो, बॉर्नविटा, तो ब्रोमिन, ठीक है। यहाँ पे 36 दिया हुआ है, 36 में क्रिप्टोन, मैंने बताया था ट्रिप, आपको ट्रिप में मजा आता है, 36 क्या था, मजा, आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आता है, ट्रिप में आता है, तो ट्रिप से क्रिप्टोन, ठीक है, ये आपको बताने बोला था, ठीक है। अब ये क्या दिया, स्ट्रॉन्ग, 38 से मैंने बताया था वर्ड माफ, तो माफ कौन करता है, जो ज्यादा आदमी स्ट्रांग होता है वही सब ज्यादा माफ करता है। 39 आप बताएंगे, 14 आरएस, 14 जैसे मैं सुनता हूँ मुझे आरएस याद आता है, तो आरएस आप क्या कर रहे हो, जला के कोने में फेंक रहे हो, तो जर्गोनियम, ठीक है, जला के कोने में फेंक रहे हो। यहाँ पे 41 से क्या था, रेट, रेट क्या कर रहा है, आपने न्यू बम ला के घर में रखा था, पूरा का पूरा वो खराब कर दे रहा, तो क्या ला के रखा था, न्यू बम, तो नियोबिम, ठीक है, नियोबिम। नेक्स्ट 42, अब 42 से क्या था, रिन, रिन से कौन मूज होता है, मौलवी, तो इससे ये हमारा एलिमेंट बन जाएगा मौलवी। 43 दिया हुआ है, 43 पर राम बनता है, राम क्या है, टेक्निकल है, टेक्निकल से टेक्नीशियन। नेक्स्ट 44 रोवर, रोवर मतलब होता है गरजना, तो सी आज गरज नहीं रहा, आज सी क्या है, रूठा हुआ है, आज शेर क्या है, रूठा हुआ, तो रूठा से रूटेनियम, आज सी क्या हुआ, गरज नहीं रहा, आज क्या हुआ, रूठा हुआ है। ऐसे चीजों को मेमोराइज करना, मतलब इमेज बनाना, स्टोरी बना के माइंड में सेट किया तो दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रोवर क्या कर रहा है, रूठा हुआ है, तो रूटेनियम। 45, अब ये 45 के क्या क्या बनाया था मैंने, यहाँ पे इसका 4 बनाया, इसका R बनाया था, और इसका रेल, ठीक है, ये रेल हो गया, तो रेल से क्या था, यहाँ पे ये रूडियम है, तो क्या बताया था इसका, रोड, तो रेल हमेशा पटरी पे चलती है, बट आज आपने क्या देखा, रेल कहाँ चल रही है, रोड पे चल रही है, तो रोड से क्या हो गया, रूडियम, ठीक है। नेक्स्ट 46 पे क्या बनाया था, आप प्लेट में दे रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को, रोज किस में दे रहे हो, प्लेट में दे रहे हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोज, रोज को किस में दे रहे हो, प्लेट में दे रहे हो, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, आपको याद करना है, तो रोज आप किस में दे रहे हो, प्लेट में दे रहे हो, किसको, अपनी गर्लफ्रेंड को, तो प्लेट, पैलेडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, 47, यहाँ पे 47 का क्या बताया था, यहाँ से आर हुआ, यहाँ पे मैंने 7 का क्या बताया था, के और सी, तो दोनों लिख दिया था रॉक, बट हमको लेना एक ही है, तो रॉक आपके गार्डन में बगीचे में कैसा है, चांदी कलर का है, तो चांदी मतलब सिल्वर, तो 47 पे क्या है, सिल्वर। कभी भी आपको एलिमेंट पूछा जाए तो पहले अगर नंबर पूछा जाए तो आपको उसको नंबर वर्ड बनाना है, जैसे वर्ड बनता है आप समझ जाइए कि उस वर्ड को आपने किससे रिलेट किया हुआ था, आप नहीं भी याद करेंगे आपको ऑटोमेटिक याद आएगा अगर आपने इमेज बनाई हुई है तो, ठीक है। नेक्स्ट 48, रूफ बोला था मैंने, आपने रूफ पे क्या पाल के रखा है, बहुत सारा कैट पाल के रखा है, तो कैडमियम। नेक्स्ट क्या दिया, 49, रोप, 49 से क्या बनता है, रोप, तो रोप से जब हम आजाद नहीं हुए थे तो अंग्रेज लोग हमारे इंडियन को क्या किए थे, रोप से बांध के रखे हुए थे, तो इंडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या, 50, तो 50 पे मैंने बोला था लस्सी, ठीक है, आप लस्सी किस ग्लास, लस्सी किसे पीते हो, किस ग्लास में पीते हो, टीन के बर्तन में पीते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, टीन, ठीक है। तो इस तरह से आप फटाफट ऐसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चाह के भी नहीं भूल पाएंगे, सिर्फ 2-3 बार, ये पहला प्रैक्टिस हुआ, आप एक बार कर लीजिए, एक बार और एक बार लिख के कर लीजिए, खत्म, ये 20 एलिमेंट्स आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसके बाद के अगले वीडियो में 20 बताऊंगा, फिर 20 और फिर हम चलेंगे 1-30 के बीच में, ठीक है। और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए, इसके मैं पीडीएफ भी अवेलेबल कराने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ टेलीग्राम पर, आप जाइए वहां पे क्लिक करिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं पीडीएफ अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो जितनी भी चीजें आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग के सारे पीडीएफ में वहां पे अवेलेबल कराने वाला हूँ, तो आप वहां पे जाके फटाफट ज्वाइन हो जाइए। और एक चीज, अगर आपको और भी कुछ टॉपिक्स चाहिए, ठीक है, फोक डांस के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक जन ने बोला था, बट और भी आपको कोई ट्रिक चाहिए किसी भी चीजों की, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस चीज के लिए मैं ट्रिक लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इसकी जरूरत है एलिमेंट की, जो 12th में पढ़ता है, 11th में पढ़ता है, तो आप उसको क्या करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।